आगरा रेल डिवीजन ने मुड़िया पूर्णिमा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस महीने में मध्य प्रदेश राजस्थान से लाखों भक्त मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाले भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए रेल मार्ग के माध्यम से मथुरा आते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाले भक्तों के लिए रेल प्रशासन विशेष गाड़ियां संचालित करने जा रहा है। मुड़िया पूर्णिमा 7 से 14 जुलाई तक मनाई जाएगी। आगरा रेल डिवीजन की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि 2 साल बाद इस महापर्व का आयोजन हो रहा है। इसके लिए रेल विभाग द्वारा विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए 2019 के बाद लगभग 2 साल के गैप के बाद दोबारा से इस बार मुड़िया पूर्णिमा का मेला मथुरा में 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होना तय है। तो इसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो रेलवे के माध्यम से मुरैना से मध्य प्रदेश से राजस्थान से कोटा साइड से आते हैं मथुरा की तरफ। इसके लिए रेल प्रशासन कई तरीके की तैयारियां कर रहा है। इस बार लगभग उम्मीद है कि 3 से 4 लाख का फुटफॉल भी मथुरा पे आ सकता है गोवर्धन के लिए। इसमें हम कुछ मेला स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव रख रहे हैं और पुरानी जो ट्रेनें चल रही हैं इन साइड से आने वाली झांसी कोटा वगैरह से इनमें एक्स्ट्रा कोचेज लगा रहे हैं और कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज भी मथुरा तक बढ़ा रहे हैं जो आगरा तक चलती थी। ये जैसे फाइनलाइज हो जाएंगी इनको हम आपके द्वारा पब्लिक में इसका प्रसार कर देंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ क्राउड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं करी जा रही हैं और जो ड्रिल्स भी करे जाएंगे स्टेशन पे तो इसके बारे में भी डिटेल आने वाले समय में बताई जाएगी। यात्री सुविधाओं के लिए मथुरा में जो एयरमिस सिस्टम होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है वो शुरू कर दिया गया है। लाइट पंखे पानी पीने की व्यवस्था ये पर्याप्त मात्रा में रहे। मथुरा में एक खास तौर पे एक मेला का यात्री शेल्टर होता है एंट्री नंबर 2 पे, उसका दोबारा से उसको चालू किया जाएगा और इसके अलावा भी जरूरत पड़ने पे टेम्प्रेरी शेल्टर्स और ये सब की व्यवस्था करी जाएगी। सुरक्षा के लिए भी और टिकटिंग के लिए भी दोनों के लिए भी भारी संख्या में आगरा डिवीजन का दूसरे स्टेशन का स्टाफ भी मथुरा पे डिप्लॉय किया जा रहा है। इसमें जीआरपी को भी बुलाया गया है और सिविल पुलिस भी रहेगी। आरपीएफ की भी बाहर से जो सिक्योरिटी की टुकड़ियां होती हैं उनको बुलाया जा रहा है। लगभग 200 से 300 स्टाफ बाहर से आएगा और कमर्शियल डिपार्टमेंट का भी 50-60 स्टाफ दूसरे डिवीजन से मांग की गई है जिसकी आपूर्ति होने पे इनको वहां डिप्लॉय किया। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द रेड जर्नी न्यूज को जरूर देखें और हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।